हेलो जी मानसी जी, कैसी हैं सर, आप? मेरी आपसे बात हुई थी व्हाट्सएप पे। वो मतलब 1-2 सप्ताह पहले हुई होगी बात। ओके वो मैंने आपको बताया था कि मैं भी वो लव जिहाद के वो में थोड़ी सी वो हो गई थी। तो ओके तो मैंने क्या कहा था आपको? सर आपने कहा था ज्वाइन करने के लिए, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रही थी तो मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। अच्छा ठीक है, अभी आप बताइए क्या हुआ था और हमसे आपको क्या चाहिए? सर वैसे आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस मैं चाहती थी कि मेरी जो बातें हैं थोड़ी और भी अदर लड़कियों तक पहुंचे, ताकि वो इन सब चक्करों में ना फंसे। सर बिल्कुल, प्लीज गो अहेड, क्या बताना चाहती हैं आप? ये मतलब हो गया, 1 ईयर हो चुका है ये, तो मतलब मैं तो अभी मतलब पहले मैं जॉब के लिए अपने घर से वो बाहर गई हुई थी 1 ईयर पहले। तो वहाँ पे जॉब पे मेरे को एक लड़का मिला था, तो वहाँ पे अब मतलब मेरे को बार बार वो मतलब कर रहा, नंबर ये करो, ये 2 नंबर दो, ये सब चल रहा था, लेकिन मैं नहीं दे रही थी। सब सबसे सुन ली कि हाँ ये मुस्लिम, मेरे को नाम वाम कुछ नहीं मालूम था, क्या करता है नहीं करता है, मुझे उतना जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर बार बार मेरे को वो नंबर के लिए करता, तो मैं ना बोलती हमेशा, लेकिन फिर उसका जब बिहेवियर देखती कि हाँ सबकी हेल्प कर रहा है, सबसे अच्छे से बातें कर रहा है, इनफैक्ट वो जो लो लेवल के इंसान होते थे वो लोग से भी एकदम बहुत अच्छे से वो बात करता है, हेल्प करता। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ठीक लगने लगा, एंड फिर वहाँ के भी और भी जो हमारे वो फ्रेंड्स थे वो भी मेरे को बोलने लगे कि नहीं ये अच्छा है, मतलब ये रिच फैमिली से भी है लेकिन वैसे करता नहीं है, नॉर्मल रहता है, नॉर्मल लोगों से अच्छे से बात करता है। तो सडनली फिर मेरा हुआ कि नहीं कोई नहीं, फ्रेंडशिप के लिए बोल रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। तो फिर बात बात उसी हो मतलब होना स्टार्ट हुई मेरी, एंड फिर धीरे धीरे मुझसे पता नहीं कब अटैच होगी मुझे भी पता नहीं चला। लेकिन फिर यही 2-3 महीने होने के बाद सडनली वो मेरे को मतलब अवॉइड करने लगा। तो मेरे को लगने लगा पता नहीं क्या हो रहा है इसको, क्यों ऐसे कर रहा है। ज्यादा टाइम भी नहीं, मेरे को लगता है 3-4 महीने ठीक था। उसके बाद फिर वो अपने जो नाना थे उनका डेथ हुआ था, तो वो वहीं पे गया हुआ था, तो उसको वहीं पे 1-1.5 महीने लग गए थे। तो मेरे से वो बात बात भी नहीं कर रहा था, वहां पे जाने के बाद थोड़ा वो चेंज हो गया, मेरे से बात बात करना वो थोड़ा कम कर दिया। मैं कॉल करते रहती, मैसेज वगैरह भी करते रहती, लेकिन वो मेरे को कोई ऐसा रिप्लाई नहीं करता, कॉल भी जल्दी रिसीव नहीं करता। तो फिर मेरे को मैं पूछी थी ये तुम्हें दिक्कत क्या है, नॉर्मली अगर नहीं बात करना नहीं रहना तो बोलो। तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब अपना ही बोलेगा कि ये प्रॉब्लम है घर में। उसके पापा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो वो बोला कि नहीं मेरे पापा थोड़े से वो हैं, तो मेरे को कुछ ना कुछ जल्दी करना है, मेरे पापा बहुत गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर। फिर मेरा ये हुआ कि अरे तो पापा तुम पे गुस्सा कर रहे हैं तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर क्यों, मेरे से बात करना बंद क्यों। फिर धीरे धीरे वो अपना जब भी हम लोग मिलते तो कुछ ना कुछ तुम्हारे रिलीजन में तो ऐसे होता है वैसे होता है, तुम्हारे वो इंद्र देवता तो ऐसे मतलब मांस खाते थे, ऐसे तुम्हारा वेद में लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे फिर ये सब मैं सुनने के बाद मैंने वो सब अवॉइड कर दिया, बोले छोड़ो हटाओ, पता नहीं क्या सीख लिया है, ये कहाँ से सीख लिया गया है। और फिर ऐसे धीरे धीरे फिर बात तो वैसे ही उसने कम कर दी थी। फिर मैं अचानक से मेरे को मतलब वहां पे अच्छा नहीं लगने लगा, मैं बीमार रहने लगी थी वहां पे। तो मेरे घर से था कि नहीं अभी घर, 8-9 महीने में तो वहां हो गए थे, मतलब वहां 4-5 महीने उससे अच्छे से बात हुए होंगे, नहीं तो उसके बाद फिर ऐसी 1 महीने पे 1 बार 2 बार ऐसे करके बात होती थी। लेकिन मुझे शुरू में ही मालूम हो गया था कि वो मुस्लिम है, उसे छुपाया नहीं था। फिर जब मैं घर आई थी बीमार थी, लास्ट टाइम मिली थी उससे लेकिन जाके, लेकिन वैसा कुछ उसने कहा नहीं। तो मैं घर आई, अब घर आने के बाद 1-2 बार उससे बात हुई, फिर उसके बाद फिर एकदम मेरे से नहीं फोन नहीं उठाने लगा, मैसेज वैसेज का रिप्लाई नहीं करने लगा। तो मेरे को बहुत बुरा लगने लगा,
सडनली मैंने अपनी बहन के व्हाट्सएप से मतलब उसको ये किया, मैसेज वगैरह किया। एक चीज पूछ सकता हूँ, अगर आप कंफर्टेबल है तो जवाब देना, नहीं कंफर्टेबल है तो नहीं जवाब देना। कुछ फिजिकल रिलेशनशिप रहा था आप लोगों का? सर ऐसा मतलब रहा था, वो मेरे को लगता है जब 4-5 मंथ हो गए थे उसके बाद, तो ओके। और वो उसका बिहेवियर फिर बाद में चेंज हुआ? जी सर, तो ओके। मैंने उससे पहले ही कहा था कि देखो मेरे को इन सब चीजों में उतना ये नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर तुमको साथ में रहना है, क्योंकि हम लोग तो हमें दो मतलब 3-3 महीने में ही मैंने उससे कह दिया था कि नहीं हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि तुम मतलब अदर रिलीजन के हो, मैं अदर रिलीजन मतलब रिलीजन की हूँ, तो हम लोग का नहीं कुछ हो सकता। तो उस टाइम था कि नहीं ऐसा नहीं करो, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मैं क्यों किसी का वो करूँ, मैं मेरे को किसने हक दिया है मैं किसी को हर्ट करूँ। तो मैंने उस टाइम फिर कंटिन्यू रखा था। फिर जब मैं घर आ गई थी, तो घर आने के बाद 1-2 महीने, 1-2 बार ऐसी बात हुई, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगने लगा, तो मैं अपनी बहन के वो से मैंने मैसेज करा उसको कि क्या मतलब मेरी बहन के मतलब बात में कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं ये वो। तो उसका मतलब सडनली वो पूरा चेंज कि मतलब नहीं हो सकता हम लोग का, मतलब ये था कि नहीं तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, ये है वो है, बहुत केयरिंग है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत डिपेंडिंग है वो मेरे ऊपर, बहुत डिपेंड वहां रहने लगी थी। तो जबकि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे को वहाँ कुछ भी दिक्कत होता, कुछ भी प्रॉब्लम होता, मैं खुद खुद ही हैंडल करती। मेरे को अगर हॉस्टल भी वहाँ चेंज करना होता या फिर मेरे को कहीं जाना भी होता, तो मैं अकेले जाती, मैं उसको कभी नहीं बोलती थी कि मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को ये सामान लेना है या फिर मेरे को हॉस्टल वगैरह चेंज करना है। इनफैक्ट मेरी तो वहाँ एक बार जॉब भी मेरे को वो छोड़ना पड़ा, तो मैं दूसरी जॉब के लिए वहां पे वो सर्च करने लगी। तो उसके उस टाइम तक मुझे तो चाहिए थी कि मेरे को मेरे पास कुछ पैसे वगैरह थे नहीं, तो मैं घर से भी हेल्प नहीं ले सकती थी, लेकिन तब भी मैंने किसी को कहा नहीं, उसे ही मैंने नहीं कहा कुछ कि हाँ मेरे को पैसे वगैरह की जरूरत है, मैंने सब खुद ही मैनेज कर लिया। फिर भी पता नहीं मेरे को क्यों उसने कहा कि डिपेंडिंग हो गई थी ये वो। फिर ये सारी बातें मेरी बहन को उसने कहा मैसेज पे, मेरी बहन ने भी उसको बहुत सुनाया कि हाँ आपके रिलीजन में यही सिखाते हैं कि आप किसी को मतलब चीट करके चले जाओ ये वो। तो तभी उसने मतलब थोड़ा रूडली मेरी बहन से भी बात किया, एंड अगले दिन मतलब इतनी गालियाँ मतलब टेक्स्ट मैसेज पे इतनी गालियाँ मेरे को दे के उसने मैसेज किया, मतलब मैं तो सुन के देख के पूरा मैं शॉक हो गई कि क्या लड़का ये कैसे चेंज हो गया इतनी जल्दी। वो जबकि अच्छा खासा पढ़ा लिखा मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग कर रखा था मतलब, और उसने स्टार्टअप भी कर रखा था। मतलब मैंने सोच रही कि अरे ये इतना अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का, हाई फैमिली का, उसके जबकि पेरेंट्स वगैरह भी बहुत हाई लेवल के थे, उसके बावजूद उसकी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? उसको समझ में नहीं आ रहा कि एक लड़की उससे बात क्या कर रही है और वो क्या रिप्लाई कर रहा है। तो इतनी सारी गालियां मेरे को दिया, और खैर मैं तो सनातनी हूँ, तो मतलब मेरे घर में ऐसा कुछ है नहीं, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा लोग जो हैं, मेरी मम्मी तो स्ट्रिक्टली मैं हम लोग को बोलती कि गालियां कोई भी नहीं निकालेगा, तो हम लोग कभी ऐसे गालियां देते ही नहीं, घर में भी हम लोग अच्छा, कभी नहीं बोले। ये मानसी जी, अभी जो कुछ आपके साथ हुआ, क्या सबक क्या मिला आपको? सर मेरे को सबक यही लगा कि इजीली तो किसी को ऐसे ट्रस्ट करना नहीं है, और खास करके मोमिनों से तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मेरे को एकदम पता नहीं क्यों मैं किसी मोमिन को देखती हूँ तो मेरे को याद आने लगता है सारा फेस करे, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, तो बात तो नहीं करना चाहती हूँ। ऑफिस के भी कुछ कुछ वहाँ के हैं फ्रेंड लोग भी हैं, तो मैं किसी को कुछ रिप्लाई भी नहीं करती ऐसे, उन लोग को उनके कुछ भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो मैं उसमें रिप्लाई भी नहीं करती, कुछ भी नहीं बोलती। एक ट्रेंड थी वहां की, तो वो मेरे वहां पे हैप्पी होली करके मेरे को की थी विश, लेकिन मैंने कुछ भी उसको वो नहीं कहा, एंड उसके जो भी फेस्टिवल होते हैं मैं कुछ भी नहीं बोलती कि मेरे को इतना इरिटेशन हो गया है इन लोगों से। अच्छा देखिए, यहाँ पे ठीक है, आपके साथ तो अभी जो हो गया वो हो गया, उसको तो हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन वो लड़कियाँ जो मुझे मैसेज करती है, कई सारी लड़कियाँ, के भाई मेरा रिलेशन है, मेरा
अब्दुल जो है वो बहुत अच्छा है, वो धोखा नहीं देगा, मैं क्या करूं। तो यार देख लो, ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके सामने, और कई सारे ऐसे इनफैक्ट एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए हैं। तो मेरी अच्छा बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग, असल में क्या होता है ना, बहुत से लोगों का ये होता है कि भाई जब तक मार नहीं पड़ती है ना, जब तक धोखा नहीं मिलता, जब तक तकलीफ नहीं मिलती, आप लोगों को सही बातें जो है वो समझ में नहीं आती। आपको अगर कोई समझाने की कोशिश करता है तो आपको लगता है यार ये तो ज्ञान दे रहा है, ये पका रहा है, ये मेरा भला नहीं चाहता। अरे यार, वो आपका आपका वो भला चाहता है करके आपको समझा रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ, जब सारी चीजें हो जाती है, जब फटका पड़ता है, तब फिर आप लोगों को समझ में आता है। तो मैं उन लड़कियों से ये कहना चाहूंगा कि भाई ये सब चक्करों में बिल्कुल ना पड़ो, आगे जाके आपको धोखा ही मिलेगा। धोखा खा के सुधरने से अच्छा, जब आपको पहले ही लोग बता रहे हैं, और एक एग्जाम्पल नहीं, कई सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने हैं, तो आप लोगों को सुधर जाना चाहिए। वरना कभी आपके साथ ये होगा कि आप भी आके जब यहाँ के अपनी स्टोरी बताएंगी, तो जो आप जैसे दिमाग वाले हैं उनके समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा सुधर जाओ, और जो बाकी जो दूसरे काम करना है लाइफ में उस पे ज्यादा फोकस करो, करियर बनाओ, ये सारी चीजों में पढ़ो नहीं। थैंक यू सो मच मानसी जी। अभी आप पूरी तरीके से निकल चुकी है इस चीज से? जी सर, निकल चुकी हूँ। ऐसे बहुत दिक्कत तो अभी भी होती है, थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को, मतलब टेंशन होती है और चीजें याद भी आती है तो थोड़ा गुस्सा भी आता है खुद पे कि ये पता नहीं कहाँ चली गई थी। लेकिन हाँ, मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि जो भी सनातनी लड़कियां हैं वो मतलब अपने ग्रंथों को जरूर पढ़े, क्योंकि ऐसे लड़के आते हैं वो सबसे पहले आपके ग्रंथों पे अटैक करते हैं कि आपके जो भी है वेद में ऐसे लिखा है वैसे लिखा है। इनफैक्ट जब मतलब उससे बातें हुई थी मेरी, तो जब मैंने कहा कि वो गालियां वालियां दिया, उसके बाद भी मैं थोड़ा उसको समझाने पे थी कि नहीं तुम क्यों मतलब क्यों ऐसे बोल रहे हो, क्यों इतनी गालियां वालियां निकाल रहे हो। उसके बाद भी वो मेरे से आराम से फिर बात करने लगा, और उसका स्ट्रेटेजी ये था उस टाइम, उसने क्या किया कि मेरे को जाकिर नायक का वीडियो भेजने लगा। मेरे को तो अब उस इंसान से भी नफरत है कि पता नहीं उस इंसान के वजह से भी ना जाने कितने सारे मोमिन और ज्यादा अपंग हो गए हैं। उनका वीडियो देख देख के, और ये भी पता नहीं ये लोग पढ़ते भी नहीं है कि हाँ वेद में ऐसा है भी कि नहीं है, मतलब फिर भी लगे रहते कि तुम्हारे वेद में ऐसे आपने भी लिखा नहीं है। पढ़ा था ना, सर आपने मैं भी तो उस वो टाइम गलती की तक थी ना मानसी। मेरे को उतना जैसे मेरे को मालूम नहीं था कि मैं ऐसे कभी फंस जाऊंगी ऐसी चीज में। हाँ ये चीज है कि थोड़ी थोड़ी चीजें मैं तब भी रखती थी, लेकिन ये बात है कि जो जो क्वेश्चन उस टाइम उसने मेरे से कर दिया, वो जाकिर नायक का वीडियोस वगैरह देख के, या उसने जो मेरे को वीडियोस वगैरह भेजा, हाँ वो सारी चीजें मेरे को नहीं मालूम थी। लेकिन फिर धीरे 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 पढ़ते 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 फिर मैंने उसको आपकी वीडियो भी भेजी मैंने, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद मेरे को लगता है कि 2-3 महीने पहले ही मैंने मतलब उसने जितने सारे क्वेश्चन करे थे मेरे दिमाग में बस घूम रहे थे कि मैं जवाब दूं इसका, क्यों ऐसे कैसे मतलब ऐसे कैसे कोई भी बोल सकता है मेरे मतलब रिलीजन के बारे में, मेरे धर्म के बारे में, क्योंकि उनका तो कोई धर्म है नहीं, मजहब है। धर्म के नाम पे तो ये लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, खुद ही खुद तो बोल लेते हैं कि हमारा मजहब बहुत अच्छा है बहुत खूबसूरत है, फिर पता चलता है कि ये लोग लड़कियों को ऐसे ऐसे करके छोड़ दे रहे हैं और ऊपर से अटैक करते हैं इनके वेदों पे ग्रंथों पे। तो मेरा था कि नहीं मैं इसको बोलूंगी जवाब दूंगी, तो मैंने वो आपका एक स्ट्रीम था हेटेड डिबेट के साथ, तो मैंने वो वीडियो आप मतलब उसको भेजा, इसको देखो ठीक है, और उसमें जो है वो सुनो कि क्या है नहीं है, और उसके बाद फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। ठीक है। पता नहीं उसके अच्छा बाद अरुण उसने सुना श्रीवास्तव, या नहीं सुना, लेकिन दिया। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आप इस जंजाल से निकल गई, वरना आगे आपके साथ और बहुत सारी चीजें होने वाली थी जिससे आप बच गई। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, अगली बार ध्यान रखिएगा कि इन सब चक्करों में आप ना फंसे। थैंक यू सो मच मानसी जी। ओके सर, थैंक यू सर।